गाइस, टीवी इंडस्ट्री पर पिछले 14 सालों से राज कर रहा टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज सबसे सफल सीरियल में से एक है, जिसे लोग अक्षरा नैतिक से लेकर अभीरा अरमान तक सभी जनरेशन देखना पसंद करते हैं। वैसे अगर इस शो में आए अब तक के सारे जनरेशन लीप को जोड़ा जाए तो इन 14 सालों में सीरियल में पूरे 70 सालों से भी ज़्यादा कहानी दिखाई जा चुकी है, जिसमें नैतिक, कार्तिक, अभिमन्यु और अरमान इन चार लीड एक्टर ने अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया है, जिनकी ऑन स्क्रीन वाइफ यानी अक्षरा, नायरा, अक्षु और अभीरा से तो आप सभी मिल चुके हैं और इनकी जोड़ी के भी फैन हैं। लेकिन इनके साथ इस सीरियल के कुछ और एक्टर्स के रियल लाइफ पार्टनर से आप सभी अनजान हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रियल लाइफ वाइफ ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता है टॉप 10 एक्टर्स। नंबर 1, करण मेहरा। 2009 में अक्षरा नैतिक की कहानी के साथ इस सीरियल की शुरुआत हुई और टीवी पर टेलीकास्ट होते ही इस शो ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया और लोगों को अक्षरा नैतिक की जोड़ी खूब पसंद आई, जिससे नैतिक यानी करण मेहरा भी खूब पॉपुलर हुए। और फिर उन्होंने 7 सालों तक सीरियल में नैतिक की भूमिका निभाने के बाद 2016 में इस शो को छोड़ दिया। लेकिन इनके करियर का सबसे सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने इन्हें टीवी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान दिलाई। करण मेहरा की उम्र 41 साल है और यह अभी मैरिड हैं। इन्होंने 2012 में निशा रावल के साथ शादी की थी, लेकिन 2022 में कुछ कारणों की वजह से दोनों ने डिवोर्स ले लिया। नंबर 2, सचिन त्यागी। इस शो में मनीष गोयनका का किरदार सचिन त्यागी निभा रहे हैं, जिन्हें सौराग्नि जैसे सीरियल में देखा गया था। लेकिन इन दोनों ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनीष गोयनका के रोल से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 15 दिसंबर 1947 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शादी 15 मार्च 2014 को रक्षादा खान के साथ हुई थी। रक्षादा खान भी एक टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें देवों के देव महादेव जैसे शोज में देखा गया है। नंबर 3, मोहसिन खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सबसे पॉपुलर और पसंदीदा जोड़ी नायरा और कार्तिक, जिन्हें आज भी इस शो के दर्शक पसंद करते हैं। इस सीरियल में भरे ही 4 पीढ़ियाँ दिखाई गई हों, लेकिन जो पॉपुलरिटी नायरा, कार्तिक यानी शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को मिली है वो शायद किसी और को नहीं। अगर आप भी इनके फ़ैन हैं तो जल्दी से एक कमेंट करिए। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1991 में हुआ था और इनकी उम्र 32 साल है। ये मैरिटल स्टेटस से अनमैरिड हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपने को स्टार शिवांगी जोशी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी तक मोहसिन खान ने खुद इस बात को कन्फर्म नहीं किया है। नंबर 4, रोहन मेहरा। अक्षरा के बेटे नक्श सिंघानिया का किरदार रोहन मेहरा ने कुछ सालों तक निभाया, जिसके बाद ऋषि देव ने इन्हें रिप्लेस कर दिया था। इस सीरियल के बाद यह रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 10 में भी नजर आए और यह 2023 में 33 साल के हो चुके हैं। इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की एक्ट्रेस कांची सिंह को कई सालों तक डेट किया और साथ में रहे, लेकिन फिर कुछ वजह से 2021 में इनका ब्रेकअप हो गया और अभी ये सिंगल हैं। नंबर 5, ऋषि देव। बड़े भैया की दुल्हनिया, बालिका वधु और ये रिश्ता क्या कहलाता है जिसे शोज में नजर आए टीवी एक्टर ने इस सीरियल में नक्श के रोल से खूब पहचान पाई है। इनकी असल उम्र 31 साल है और रिमूर ऑफ व्लॉग्स नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम पर भी इनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ये रियल लाइफ में अनमैरिड हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। नंबर 6, करण कुंद्रा। शो में रणवीर चौहान का रोल निभाने वाले टीवी एक्टर करण कुंद्रा, जिन्हें आप दिल ही तो है और तेरे इश्क में घायल शो से जानते होंगे। करण कुंद्रा के इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनकी रियल एज 39 ईयर्स है। इनका नाम मधुरा नाइक, कृतिका कमरा और अनुष्का डंडेकर के साथ जोड़ा जा चुका है, लेकिन इन सब से इनका ब्रेकअप हो चुका है और कुछ न्यूज़ के मुताबिक ये करंटली फेमस टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिन्हें आप नागिन 7 में देख रहे होंगे। नंबर 6, हर्ष चोपड़ा। इस सीरियल में तीसरी जनरेशन में अक्षु और अभिमन्यु की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। अभिमन्यु का रोल 39 साल के हैंडसम एक्टर हर्ष चोपड़ा ने निभाया था और हाल ही में आए जनरेशन लीप के साथ इन्होंने इस शो को छोड़ दिया। हर्ष चोपड़ा रियल लाइफ में अनमैरिड हैं और अभी के टाइम पे सिंगल हैं, लेकिन इन्होंने कई सालों तक श्रुति झा और जेनिफर विंकेट को डेट किया था। नंबर 7, जय सोनी। इस सीरियल में अभिमन्यु और अक्षु के साथ अभिनव और अक्षु की जोड़ी को एक सादगी के साथ खूब पसंद किया गया और इन्हीं की बेटी अभीरा की कहानी अभी दिखाई जा रही है। जय सोनी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और ससुराल गेंदा फूल जैसे शोज में काम किया है
और इन्होंने रियल लाइफ में 2014 में पूजा शाह के साथ शादी रचाई थी। 2018 में इनकी एक बेटी हुई और अभी ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं। नंबर 8, शहजादा धामी। सीरियल की चौथी पीढ़ी में अरमान के रोल में एक्टर शहजादा धामी खूब पहचान हासिल कर रहे हैं और इनकी और अभीरा की जोड़ी काफ़ी पॉपुलर है। शहजादा धामी रियल लाइफ में 26 साल के हैं और इन्हें शुभ शगुन और यह जादू है जिनका जैसे सोच से जाना जाता है। ये रियल लाइफ में अनमैरिड हैं और सिंगल हैं। नंबर 10, शिवम खजुरिया। चलिए अब आते हैं इस शो के एक और लीड एक्टर पर जो कि सिंगल हैं और किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, साथ ही में अनमैरिड भी हैं। इस एक्टर का नाम है शिवम खजुरिया, यानी इस शो के रोहित जो रूही के पति हैं और इन्हें मन सुंदर और मौलकी जैसे टीवी शोज में देखा गया है। ये असल जिंदगी में सिंगल हैं। सो गाइस, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।